दिल्ली में IAS, UPSC और सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कराने वाले सबसे नामचीन संस्थान राहुल IAS द्वारा शिवरात्रि का त्यौहार विशेष रूप से मनाया गया। वजीरपुर के सबसे मशहूर कोचिंग सेंटर राहुल IAS एकेडमी में हजारों की तादाद में सभी छात्र धर्मों के छात्र छात्राएं शिवरात्रि पूजा में शामिल हुए। यहां पूजा के बाद हर साल भोले का प्रसाद वितरण किया जाता है, जहां न सिर्फ देश के दूर दराज से पढ़ने आए छात्र छात्राएं सम्मिलित होते हैं, बल्कि सभी कामकाजी लोग इस पर्व के अवसर पर यहाँ आते हैं। संस्थान के पूर्व में स्टूडेंट रहे व मौजूदा स्टूडेंट बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं और खुद अपने हाथों से भंडारे पर्व में प्रसाद वितरण करते हैं। संस्थान का देश में सबसे ज़्यादा ज्यूडिशरी में जज की परीक्षा पास करने का रिकॉर्ड है। ज्यूडिशरी कोचिंग की जब बात आती है तो सबसे पहला ऑप्शन पूरे भारत में यही होता है और इस संस्थान से कोचिंग लेकर आज तक देश में सबसे ज़्यादा जज बने हैं। यहाँ पढ़ाई के अलावा संस्कार की शिक्षा भी बड़ी तारीफ करने वाली है। राहुल IAS को 20 साल से ज़्यादा हो गए और हर साल हम महाशिवरात्रि पे बहुत बड़ा भंडारा करते हैं, इस साल भी कर रहे हैं। और नहीं, पहले हम लोग मुखर्जी नगर में ही थे, लेकिन 2018 में हम इधर शिफ्ट हो गए शालीमार बाग। तो अब मुखर्जी नगर में हमारा कुछ भी नहीं है, बस एक ऑफिस है और बाकी यहाँ पे ऑफिस और क्लासरूम वगैरह सब यहीं पे होता है। यहीं पे होता है। आज क्या टारगेट है, कितने लोग जो है भंडारे में प्रसाद ग्रहण करेंगे और हर साल कितने लोग आते हैं? इस साल थोड़ा छोटा कर रहे हैं क्योंकि नई जगह है, तो यहाँ पे हमको अभी देखना है कि, लेकिन फिर भी 15-20 हज़ार लोग तो खाएंगे। 15-20 हज़ार की गैदरिंग होती है। सर, अगर इंस्टीट्यूट की बात की जाए, जिस तरीके से आप पढ़ाते हैं, एम क्या रहता है और लोग जो सबसे ज़्यादा आपको लाइक कर रहे हैं, इस इंस्टीट्यूट को लाइक कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है, क्या खासियत है? पढ़ाई की क्वालिटी और प्लस हम टाइम बहुत देते हैं। नॉर्मली हमको करीब 16 महीने 18 महीने लग जाते हैं कोर्स ख़त्म कराने में, तो ज़्यादा टाइम देने से ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है और डिटेल पढ़ाई होती है। और प्लस थोड़ा सा इमोशनली चार्ज करके बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं, तो वो भी एक फैक्टर है जिसके वजह से बच्चे जुड़ते भी हैं और रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा होता है हमारा। 2019 में हमारे यहाँ से 605 बच्चे सिलेक्ट हुए, जो कि अपने अभी 2020 का फरवरी निकला है और अभी ऑलरेडी हमारे यहाँ 65 से ज़्यादा सिलेक्शन हो चुके हैं। देखिए, यहाँ पे जो बात सबसे पहले आप पूछ रहे हैं विश्वास की, देखिए विश्वास इसका है कि ये परमात्मा का है और जो सोच है, जो हमारे सर हैं राहुल सर, वो कल रात से यहाँ पे हैं और पूरा हर एक चीज़ मेंटेन कराना, देखना, समझना, और हर कोई लगा हुआ है, हर कोई, बच्चे से लेकर के बड़े, सब हर कोई लगे हुए हैं, जो स्टाफ है, और दिल बहुत बड़ा सर का। और जो सबसे और जो बात आपने विश्वास की पूछी, तो शिव जी का तो सिंपल सा एक है कि जब तक कोई भी भूखा हुआ है तब तक उनकी आराधना पूरी नहीं हुई है, तो उसके लिए ये बहुत बड़ा भंडारा है जो स्टूडेंट्स का है। इसमें जो सारा हेल्प कर रहे हैं, खिलाने से लेकर बनाने से लेकर टीचर, स्टाफ, हर कोई जो पढ़ा रहा है, सब कोई, जो जज हो चुके हैं वो भी यहाँ पे सर्व कर रहे हैं, वो पत्तल तक उठा रहे हैं, तो ये चीज़ है। और ये सारा संस्कार जो दिया है वो खुद राहुल सर ने दिया है यहाँ पर बैठ करके।